हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथ में द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.3 का 8 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से कितना 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। क्या है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, माना कि कम व्यास वाले, क्या लिखेंगे, कम व्यास वाले नल पानी के हौज से, पानी के हौज को कितना में एक घंटे में भरता है, एक घंटे में भरता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि बड़े व्यास वाले नल, बड़े व्यास वाले नल कम व्यास वाले नल से कितना 10 घंटे कम समय लेता है, कितना समय लेता है 10 घंटे कम समय लेता है, अर्थात यदि 10 घंटे कम समय लेता है तो कितना होगा फ्रेंड्स, एक्स माइनस 10 घंटे। यानी बड़े व्यास वाले नल कम व्यास वाले नल से एक्स माइनस 10 घंटे में भरेगा, एक्स माइनस 10 घंटे में क्या होगा फ्रेंड्स, भरेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसीलिए एक्स घंटे में कम व्यास वाले नल भरता है कितना, एक हौज भरता है, एक घंटे में कम व्यास वाले नल भरता है बराबर एक हौज। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक घंटे में कम व्यास वाले नल भरता है बराबर एक हौज। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद चूंकि एक घंटे में यानी एक घंटे में कितना भरेगा, यानी 1/1 हौज भरेगा फ्रेंड्स, कितना 1/1 हौज भरेगा। अब इसके बाद फिर कितना, एक्स माइनस दस घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा जाएगा कितना, भरा भाग बराबर एक हौज, कितना होगा फ्रेंड्स, एक हौज होगा। यानी एक्स माइनस दस बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा भाग बराबर कितना, एक हौज होगा। इसके बाद इसीलिए एक घंटे में 1/1 माइनस 10 हौज होगा, कितना 1/10 हौज, यानी 1/1 माइनस 10। यदि दोनों नल
दोनों नल एक साथ खुले हो तो एक घंटे में हौज का दोनों नल द्वारा भरा भाग कितना होगा? यानी 1/x + 1/x-10 कितना होगा? यदि दोनों नल एक साथ खुले हो तो 1 घंटे में हौज का दोनों नल द्वारा भरा भाग 1/x + 1/x-10 भाग। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए यदि दोनों नल एक साथ खुले हो तो 9/3/8 घंटे में हौज का दोनों नल द्वारा भरा भाग कितना होगा? भरा भाग 1/x + 1/x-10 × 9/3/8 को लिख सकते हैं, 9 × 72 = 75/8 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए प्रश्न से यानी 75/8 घंटे में पूरा हौज भर जाता है जब दोनों नल खुले हो। जब दोनों नल खुले हो, क्या हो? खुले हो तो क्या करेंगे? 1/x + 1/x-10 × 75/8 = 1 लिखेंगे। तब इसके बाद क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। यदि x² - 10x आ गया, x - 10 + x × 75/8 बराबर क्या आ गया? 1 आ गया यहाँ पे फ्रेंड्स। इसके बाद x x 2x - 10 / x² - 10x = कितना आ गया आपका? 8/75। 8 75/8 गुने 1 करेंगे तो 8/75 आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कैसे किए? 75/8 = 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8/75 आ गया यहाँ फ्रेंड्स। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 8x² - 80x = 75 × 150 = 750। यहाँ पे फिर 8x² - 80x - 150x + 750 = क्या आ गया आपका? 0 आ गया फ्रेंड्स। तब इसके बाद 8x² - 80, आप 150 कितना हो गया? 230x + 750 = क्या आ गया फ्रेंड्स? 0 आ गया। इसमें दो कॉमन लेंगे, यदि दो कॉमन लिए तो 4x² - 115x + 375 = क्या आ गया? 0 आ गया।
इसीलिए 4x² - 115x + 375 बराबर 0। ये फ्रेंड्स क्या आ गया, द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया, द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो x बराबर क्या होगा, ए बराबर 4, बी बराबर क्या आ गया -115, सी बराबर क्या आ गया आपका 375 आ गया। फ्रेंड्स यदि ax² + bx + c से यदि तुलना करेंगे तो a बराबर 4 आएगा, b बराबर -115, c बराबर 375। और श्री धराचार सूत्र से x बराबर -b + √(b² - 4ac/2a) बराबर -b - -115 + -b² - 115² - 4ac/375। यानी 4a का मान क्या है, 4 है, और c का मान क्या है यहाँ पे 375 है, पाए 2 × a का मान क्या है यहाँ पे 4 है। तब इसके बाद क्या करेंगे, 115 + -115 का स्क्वायर कितना आएगा फ्रेंड्स, 115 का स्क्वायर 13,225 आएगा, 13,225 माइनस, और 4 × 4 × 375 यानी 6,000 आएगा, कितना आएगा 6,000 बाय 2 × 4 मतलब 8 आएगा। यहाँ पे 115 + -7,725 आ गया आपका, कितना आ गया 7,225/8 बराबर 115 + -7,725 का वर्गमूल क्या होगा, 85 आएगा आपका, 85/8। इसीलिए 115 + 85/8 और 115 - 85/8 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कितना, 200/8 और 30/8 कितना आ गया, 25 आ गया। ये कितना आ गया, 3/3/4। ये फ्रेंड्स अमान्य है, अमान्य है, इसीलिए आपका आ गया 25, 25 आ गया। तो कम व्यास वाला नल पानी के हौज को कितना भरेगा फ्रेंड्स, 25 घंटा में। कम व्यास वाला नल पानी के हौज को, पानी के हौज को 25 घंटे में भरेगा, 25 घंटे में भरता है। और बड़े व्यास वाले नल पानी के हौज को कितना में, x माइनस 10 है, तो 25 - 10 बराबर क्या आ गया आपके फ्रेंड्स, 15 घंटे में भरेगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।